एक बायोपेस्टिसाइड से जो आपका पौधा को फंगस से, बहुत सारा बीमारी से, कीटों से बचाएगा। फलों के छिलके, सब्जी का छिलका, फूल और राइस, ये सबसे ये बनता है। एक पेस्टिसाइड है और एक टॉनिक है जो पौधों को बिल्कुल हेल्दी रखेगा, इसका ऑल ओवर ग्रोथ करेगा। इस लिक्विड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आयरन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ऐसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कैसे बनता है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते, सबको स्वागत है मेरी चैनल लिटिल किचन गार्डन पर। अभी ऑरेंज का सीजन है, काफ़ी मात्रा में ऑरेंज मार्केट में अवेलेबल होता है, आप भी घर भी लाते होंगे। वो जो आप ऑरेंज खाकर छिलके को फेंक देते होंगे, लेकिन वो छिलका बहुत का काम चीजिए, उसको ना फेंकिए। इसमें इसे बनाने के लिए आपको इतना कुछ खर्चा करने को नहीं पड़ेगा, सिर्फ गुड़ चाहिए। इसे बनाने के लिए चाहिए गुड़, कोई भी छिलका, 1-2 लीटर का बॉटल और 1 लीटर पानी। मैं लिया हूँ 300 ग्राम ऑरेंज का छिलका, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया हूँ, और 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी। ये सबको इस बॉटल में डालना है। पहले ऑरेंज का छिलका को डाल दीजिए। आप ऑरेंज का छिलका, नींबू, संतरा, ये सबसे आप बना सकते हैं। उसके ऊपर डाल दीजिए गुड़। बायोएंजाइम बनाने में गुड़ का भूमिका ज़्यादा है। गुड़ एक अच्छी डिकम्पोजर है जो ये सब चीज़ को डिकम्पोज कर देगा, ये 90 डेज में बन जाएगा। गुड़ के बाद डाल दीजिए 1 लीटर पानी। आप जो बायोएंजाइम बना रहे हैं तो छोटा मुंह वाला प्लास्टिक बॉटल लीजिए, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल बहुत अच्छा है। बॉटल बड़ा होना चाहिए क्योंकि जो बायोएंजाइम बनता है ना उसमें गैस निकलता है, वो गैस ऊपर खाली जगह हो तो वो गैस ऊपर जगह पर भरकर रहेगा। बॉटल छोटा होगा तो गैस जो निकलेगा वो रहने के लिए जगह नहीं होगा तो बॉटल फट जाएगा। तो इसको थोड़ा हिला दीजिए, हिलाकर उसको छायादार जगह पर रख दीजिए। तो आपको इसका कब बना है आपको याद नहीं रहेगा, इसको बनाने के लिए 90 डेज चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर एक स्टिकर लगाकर उसमें आप डेट फिक्स कर दीजिए, डेट लिख दीजिए। जब भी आप बायो एंजाइम बना रहे हैं डेट लिखना मत भूलिए। जैसे ही इसको हम बनाएंगे उसमें से एयर निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए एक फर्स्ट हफ्ता हमको डेली डेली इसको एयर निकलना चाहिए और उसको हिला कर रख देना चाहिए। और दूसरे हफ्ते को 2 दिन में, ऐसे ही 1 महीना तक इसमें से एयर निकलेगा, आपको निकलना पड़ेगा नहीं तो बटन फटने की चांस रहता है। 3 महीने में ये रेडी हो जाएगा। देखिए ये मेरा बायोएंजाइम, मैं जो ऑरेंज के छिलके से बनाया था, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का दोनों का काम करता है। ये बिल्कुल पावरफुल टनी का काम करता है, पौधों का विकास करता है। पौधे में ज़्यादा फूल फल आता है, फूल फलों में चमक आता है। ये एक बढ़िया कीटनाशक का काम करता है। इसको स्प्रे करने से पौधे में जो कीड़ा लगता है, मिलीबग, छोटे छोटे काला काला कीड़ा लगता है, कोई भी कीड़ा अटैक करता है, तो इसको स्प्रे करने से वो ठीक हो जाता है, कीड़ा मर जाता है। ये बायोएंजाइम इतना पावरफुल है तो हमें 1 लीटर में 10 ml मिक्स करके हमको स्प्रे करना है। हम पौधे में जड़ों में भी दे सकते हैं, और जड़ों में देने से हमारा मिट्टी उपजाऊ होता है, मिट्टी का एनर्जी बढ़ जाता है, जड़ों का विकास होता है और पौधों का अच्छा ग्रोथ बढ़ता है, पौधा बिल्कुल शाइनिंग करता है। बायोएंजाइम पौधे का ऑल ओवर ग्रोथ करता है। मान लो ये ऑल इन वन है, जिस सीजन में जो फल फूल अवेलेबल होता है आप उसी टाइम बायोएंजाइम बनाकर रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होता है, 1-2 साल इसको बनाकर रख सकते हैं। खट्टा फल का अलग बनाइए, मीठा फल का अलग बनाइए, सब्जी का छिलके से अलग बनाइए, लहसुन अदरक नीम का पत्ते से भी अलग बनाइए। अब जो घर पर राइस बनाते हैं उस राइस से भी बनाइए। ऐसे हमारा किचन से बहुत सारा चीज़ अवेलेबल होता है, आप बायो एंजाइम बनाकर रख दीजिए। ये पौधा के लिए बिल्कुल हेल्दी टॉनिक है और एक है अच्छा पेस्टिसाइड, ये ख़राब नहीं होता है, उसको आप बनाकर स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन बन जाने के बाद 3 महीने में, ये बन जाने के बाद उसको छान कर दूसरे बॉटल में रख, जोड़ों में देना है तो 1 लीटर पानी में 10 ml और स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी में 10 ml, सेम सेम है। आप उसको मिक्स करके पौधे में जोड़ों में दीजिए,
और स्प्रे भी कर सकते हैं। जरूर बनाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो शेयर करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।